आज हम लोग द इंडियन यूनिटिव एक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इंडियन यूनिटिव एक्ट क्या होता है, मतलब एक अधिनियम के बारे में डिस्कस करेंगे जो पागल को कहीं ना कहीं मेंटली इल पेशेंट के लिए एक अधिनियम बनाया गया, कुछ उसमें कुछ फीचर्स दिए गए जिससे कहीं ना कहीं हम एक मेंटली इल पेशेंट को कुछ सुविधाएँ आसानी से प्रोवाइड कर सकें, उनकी एक अच्छी केयर कर सकें, उनको एक अच्छे से रेस्पेक्ट कर सकें। उसके लिए ये क्या एक्ट स्टार्ट किया था, ये एक्ट कब स्टार्ट किया था, 1912 में स्टार्ट किया था। क्या इंडियन लूनेसी एक्ट कब स्टार्ट किया, 1912 में क्या किया था, इसको स्टार्ट किया था। इसमें क्या कुछ एक ऐसे रूल्स बनाए या कुछ ऐसी चीज़ें इस्टाब्लिश की जाए जिसकी वजह से हम पेशेंट मेंटली इल पेशेंट को क्या कर सकें, प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट दे सकें, उसकी अच्छे से केयर प्रोवाइड कर सकें। इसलिए उन्होंने क्या 8 चैप्टर दिए, इसको डिस्क्राइब करने के लिए क्या किया, 8 चैप्टर के बारे में डिस्कशन किया जाए। 8 चैप्टर की मैं इनके बारे में बताया कि हर चैप्टर में अलग अलग चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया जाए, हर अलग अलग चीज़ के बारे में बताया गया कि क्या क्या चीज़ें उपलब्ध होना चाहिए, क्या क्या फैसिलिटी मेंटली पेशेंट के लिए होना चाहिए। तो फर्स्ट चैप्टर हम देखते हैं टर्मिनोलॉजीज। फर्स्ट चैप्टर में क्या देखा था, कुछ टर्म्स को डिस्कवर किया, किसको किया, टर्म्स को, जैसे कि असलम। असलम क्या है, असलम मतलब होता है कहीं ना कहीं एक सबसे पहला हॉस्पिटल था जिसको क्या बोला था, असलम एक ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पर कहीं ना कहीं मेंटली लोगों को बांध कर ज़बरदस्ती रखा जाता है, उसको हम बोलते हैं असलम। या एक ल्यूनेटिक मतलब कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति जो अपने ब्रेन का यूज़ नहीं किया है, क्या है, ब्रेन का बिल्कुल भी यूज नहीं किया है। या मेंटेनेंस कॉस्ट, या पेशेंट के लिए जो भी मेंटेनेंस कॉस्ट खर्च आ रहा है उस चीज़ के बारे में, मतलब कुछ बेसिक टर्म्स क्या यूज़ किए थे या बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कशन किया था किस चैप्टर फर्स्ट के अंदर, कुछ टर्म्स के बाद जो यूज़ होने वाले हैं पेशेंट के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए या उसको ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं चैप्टर सेकंड। तो चैप्टर सेकंड में देखा एडमिशन एंड ट्रांसफ़र प्रोसेस, कि पेशेंट को किस तरह से एडमिट कर सकते हैं और किस तरह से उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं कोई भी पेशेंट है वो कहीं ना कहीं मेंटली इल या मेंटली कंडीशन से सफ़र कर रहा है, तो उसको क्या करना है, एडमिट करना है, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है। जब हम उसे अच्छे से ट्रीट नहीं कर पा रहे या उसको अच्छे से फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, उस दौरान हम क्या करते हैं, उसको नई जगह ट्रांसफ़र कर दें, उसको अच्छे हॉस्पिटल और बड़े हॉस्पिटल में या बड़ी जगह ट्रांसफ़र कर दें। जैसे कि कहीं ना कहीं कोई पेशेंट आया PHC पर आता है तो उसको ट्रीटमेंट करते हैं, अगर PHC पर उसको ट्रीट नहीं कर पाते उसे CSC पर ट्रीट नहीं कर पा रहे, डिस्ट्रिक्ट पे नहीं कर पाते तो संभाग तो स्टेट सेंट्रल लेवल। इस तरह से हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र प्रोसेस के बारे में डिस्कशन किया था क्या चैप्टर सेकेंड में। नेक्स्ट हम देखते हैं चैप्टर थर्ड, बोर्ड ऑफ विजिटर। तो बोर्ड ऑफ विजिटर में क्या, 3 मेंबर्स थे, कितने मेंबर्स थे, 3 मेंबर, जो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, जो भी सेंटर हैं, जो भी मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल हैं या जो भी हैं होम, नर्सिंग होम है या हाफ वे होम है, उन पर अगर क्या जाना और वहाँ पर देखना कि जो पेशेंट के लिए बताया गया है वो सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं या नहीं, उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं या उनके लिए कुछ चीज़ से केयर दी जा रही है या नहीं, उस चीज़ के लिए क्या था कि आप थर्ड चैप्टर में किसके बारे में, बोर्ड ऑफ बेस्ट जिसमें 3 मेंबर हुआ करते थे, जो कहीं ना कहीं एक सोशल वर्कर हुआ करता या एक कहीं ना कहीं साइकेट्रिक नर्सिंग या साइकेट्रिक में फील्ड में अच्छे से उसके बाद, या कहीं ना कहीं एक ऑफिशियल टाइप से जो कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में पूरा उसको नॉलेज हुआ करता था, तो वो कहीं ना कहीं उस जगह जाते और उस वहाँ का पूरा ऑब्जर्वेशन करते और देखते वहाँ पे क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, और चीज़ों के बारे में बताना, कमियों को पूरी करने के लिए लोगों को बताना वहाँ पे जिसने भी जो हॉस्पिटल या सेंटर स्टार्ट किया है। तो ये एक तरह से बोर्ड था जिसमें ये क्या करते थे वहाँ पे कंटिन्यू क्या करते, वहाँ पे एक तरह से ऑब्जर्वेशन करने के लिए जाते कि फैसिलिटी प्रॉपर मिल रही है या नहीं मिल पा रही। नेक्स्ट हम देखते हैं चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 में क्या था, द केयर ऑफ द ल्यूनेटिव बाय फैमिली, कि कोई ना कोई मेंटली इल पेशेंट है, कोई पेशेंट कैसा है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो उसको क्या करना, फैमिली किस तरह से केयर प्रोवाइड कर सकती है। कहीं कहीं हम लोगों ने देखा है कि अगर कोई भी मेंटली इल हो जाता है तो फैमिली उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करती, उसको एक प्रॉपर या गुड तरीके से केयर नहीं देना, या उसके लिए एक अच्छे से एक उसको एक अलग जगह बांध के रखना, या उसको पीटना, डांटना, बहुत ज़्यादा मारना, इस तरह की एक्टिविटी देखते। बट नहीं, कहीं ना कहीं इसमें क्या बताया कि जो भी फैमिली मेम्बर या उसके रिलेटिव्स हैं उसको एक बहुत अच्छे से केयर दें, उसका प्रॉपर भी में ट्रीटमेंट कराएं, और अगर वो ऐसा नहीं करा दे तो उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई पनिशमेंट दिया जाएगा या पनिशमेंट मिलेगा। तो ये था किसमें बताया था, चैप्टर 4 में। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 5, अगर किसी ना किसी मेंटली पेशेंट को प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट नहीं हो रहा या उसकी केयर नहीं की जा रही, तो कहीं ना कहीं एक फाइन क्या किया, स्टार्ट कर दिया कि अगर नहीं करते तो आपको क्या कुछ ना कुछ फाइन पे करना पड़ेगा। वो फाइन क्या था,
₹500। अगर कोई भी पेशेंट की जो भी केयर अच्छे से नहीं करी या उसका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा या उसके साथ बहुत गलत अत्याचार किया जा रहा है, उसको मारा पीटा इस तरह की एक्टिविटी की जा रही है, तो उस समय क्या किया, एक फ़ाइन स्टार्ट कर दिया, वो कितना 500, जिससे हेल्प से क्या कर सकते हैं उसमें होने वाले अत्याचार को या उसको होने वाले गलत या दुष्प्रभाव उसको हम रोक सकते थे, तो एक फ़ाइन स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 6, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ असलम। तो असलम क्या था, एक तरह के एक हॉस्पिटल होते थे या मेंटल हॉस्पिटल बोल सकते हैं, जैसे साइकेट्रिक हॉस्पिटल, यहाँ पे कहीं ना कहीं मानसिक अस्वस्थ रोगियों को वहाँ पे रखा जाता, उनको अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाता, उनकी अच्छे से सारी केयर की जाती है, उनको अच्छे से डाइट प्लान किया जाता जिससे उन्हें अच्छे से डाइट दे सकें, उनके लिए सारी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती थी कहाँ पर, असलम पे। तो कहाँ कहीं ना कहीं चैप्टर 6 में था कि इस किस तरह से हम असलम इस्टाब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंसेस ऑफ ल्यूनेटिक, कि जो भी ल्यूनेटिक है उसमें हम कैसे कॉस्ट मेंटेनेंस, मतलब उसके लिए क्या क्या खर्च कर सकते हैं, उसके लिए कितना कॉस्ट होना चाहिए या उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देने के लिए कितना हम उसको एक्सपेंस कर सकते हैं, कितना खर्चा आएगा, उस चीज़ के बारे में बताया किसमें, चैप्टर 6। नेक्स्ट है चैप्टर, मतलब इसमें कुछ रूल रेगुलेशन के बारे में बताया कि पेशेंट का किस तरह से बिहेव करना है, उसको किस तरह से ट्रीटमेंट देना है, उसकी क्या क्या केयर करनी है, उसके साथ बिहेव नहीं करना, जो राइट्स ऑफ मेंटली पेशेंट के, उसको राइट्स के अधिकार है, अगर वो कोई ड्रग नहीं लेना तो उसे फोर्सफुली नहीं दे सकते, वो डांट नहीं सकते, पीट नहीं सकते, ज़बरदस्ती उसके साथ कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो वो सारी मतलब कुछ रूल बनाए थे, या पेशेंट को कहाँ शिफ्ट करना है, कितना इल है, किस तरह का है, किस तरह से ऑब्जर्वेशन करना है, उसको ई सी टी अगर अप्लाई करने जा रहा है उसमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, कोई ड्रग दे रहे समय में क्या रूल फॉलो करने होंगे, एडमिशन के टाइम तो ये सारी चीज़ों के बारे में किसे कब किया, किस चैप्टर में, चैप्टर 8 में डिस्कशन किया कि क्या क्या रूल होना चाहिए, क्या क्या रेगुलेशन होना चाहिए, तो वो किस में किया गया, चैप्टर नंबर 8 में। तो ये कुछ एट चैप्टर थे जिसमें क्या था, एक ल्यूनेटिव एक्ट के बारे में अलग अलग तरीके से बताया कि फर्स्ट में क्या है, कि कुछ टर्म्स के बारे में बताया, सेकेंड में एडमिशन एंड ट्रांसफ़र के बारे में बताया कि किस तरह से हो रहा है, नेक्स्ट फोर्थ थर्ड में क्या, बोर्ड ऑफ विजिटर मतलब एक टीम आती थी जो कहीं ना कहीं जो भी हाबे होम है, जो मेंटल हॉस्पिटल हैं या नर्सिंग होम है वहाँ पर जाना और वहाँ पर पूरा परीक्षण करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि जो फैमिली मेम्बर है वो उनको भी एक रूल बनाए कि वो फैमिली के पेशेंट की अच्छे से केयर करें, उसको प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें, जल्दी से जल्दी कम समय में उसको सही किया जा सके। फिफ्थ में एक फ़ाइन फिक्स कर दिया, कितना ₹500 फाइन, अगर कोई भी पेशेंट की अच्छे से केयर नहीं करता, उसके लिए प्रॉपर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो पा रही, उसमें क्या एक फ़ाइन पे करना होगा, वो था कितना 500। नेक्स्ट है कि असलम, जो भी एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल हम किस तरह से इस्टाब्लिश कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन किया कि उसमें क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, किस तरह से हम इस्टाब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंसेस ऑफ ल्यूनिटी, मतलब एक मेंटली हेल्थ पे कितना पैसे खर्च या क्या मेंटेनेंस कॉस्ट होना चाहिए या क्या फैसिलिटी होना चाहिए, उस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर 8 में था कुछ रूल्स कि एक मेंटली हेल्थ पेशेंट है उसे किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, उसकी क्या क्या केयर प्रोवाइड करना, क्या नर्स किस तरह से क्या रूल फॉलो करें जिससे हम उसको गुड केयर और गुड ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें, उसके लिए कैसी कैसी वेंटिलेशन, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, उस सब के बारे में क्या नर्स को पता होना चाहिए और उसके पूरे राइट्स के बारे में बताना है, मतलब रूल रेगुलेशन को फॉलो करना है वहाँ पर रहने वाले पेशेंट को और वहाँ पर रहने वाले स्टाफ्स को भी। तो उसमें किसमें किया था, चैप्टर 8 में। तो आज हम लोगों ने पढ़ा क्या, इंडियन ल्यूनेटिव एक्ट के बारे में डिस्कशन किया, जो कब इस्टाब्लिश हुआ था 1912 में, कब हुआ था 1912 में, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।